हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आपका विजेंदर पे। दोस्तों, आज हम लोग ओडी के सीरीज में लेक्चर नंबर 10 करेंगे, जिसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर देखेंगे, कौशी एलर इक्वेशन। दोस्तों, कौशी एलर इक्वेशन क्या होता है, उनसे पहले यदि आप नए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब बटन होगा बगल में, उनको दबा दीजिए, उनके बगल में घंटा भी होगा, उनको दबा दीजिए। मेरा यहाँ रेगुलर वीडियो IIT JEE से रिलेटेड आता है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करिए। तो कुछ नहीं, आप जो पढ़ के आए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन कोफिशिएंट, तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जैसे डी एन ऑर्डर होगा ना, एन एक्स पावर एन, तो उसके बगल में एक्स पावर एन पीछा में रहेगा। ये एन माइनस वन डेरीवेटिव है, तो उसके बगल में एन माइनस वन रहना चाहिए। यहाँ कुछ नहीं है, जीरो डेरिवेटिव, यहाँ जीरो डेरिवेटिव होना चाहिए। इधर उसी तरह का फंक्शन, मतलब सेम चीज वही है, सिर्फ एक्स पर पावर एन, एक्स पावर एन माइनस वन, ये गुना हो गया है, मतलब मल्टीप्लाई हो गया है के अगल बगल। तो कुछ करेंगे नहीं, एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, पिछले क्लास में लेक्चर 8 और लेक्चर 9 यूज होगा, यही लेक्चर 8 लेक्चर 9 यूज करके फिर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ एक चीज पुट करना है, वो पुट क्या करना है, तो ध्यान से देखिए, आपको याद करा देते हैं। पुट करना है x इक्वल टू ई पावर जेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। मतलब दोनों साइड लॉग ले लीजिए, तो जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, लॉग x, इधर लॉग लीजिएगा तो ये जेड बनेगा, ये लॉग x, यही दो चीज, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब देखिए दोस्तों, ये चीज पुट कर दीजिएगा तो इक्वेशन पहला में एक चीज और पुट करना पड़ेगा, क्या, जैसे एक्स डी वाई बाई डी एक्स होगा कहीं ना कहीं उस पर प्रेजेंट, यहाँ होगा, इससे पहले उसको आप डी से रिप्लेस कर दीजिएगा, डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, इसको डी इंटू डी माइनस एक, मतलब डी से स्टार्ट करेंगे, दो गो है तो दो गो फैक्टर आएगा। एक और चीज सीख लीजिए, एक्स क्यू डी क्यू एक्स क्यू रहेगा तो उनको किस से रिप्लेस करिएगा, डी से स्टार्ट करिए, डी माइनस वन, फिर कितना, डी माइनस टू, एक दो तीन, यहाँ पे तीन है, तीन आ गया। मान लीजिए एक्स पर पावर चार, डी पावर चार बावर टे डी एक्स, सॉरी यहाँ चार रहेगा, क्या करेंगे, डी से स्टार्ट करेंगे, चार तक जाएंगे, काम मेरा बन जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ चार, इसको लिखेंगे डी डी माइनस वन डी माइनस टू डी माइनस थ्री, मतलब यहाँ चार रहेगा तो यहाँ तीन आएगा, यहाँ दो, तीन है तो यहाँ दो तक, यहाँ दो तक, यहाँ एक तक, यहाँ एक है तो जीरो तक, डी माइनस जीरो, डॉट 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 डॉट। इसी तरह से एक्स पावर एन डी पावर एन माइनस वन बाय डी एक्स पावर एन रहेगा, ये टर्म, इनको कुछ नहीं करना है, डी से स्टार्ट करना है, डी माइनस वन डॉट डॉट, इसी तरह से जाना है, कहाँ तक जाना है, ये एन है ना, एन माइनस वन तक, यहाँ रुक जाना है, याद रह जाएगा। जनरली आपको दो ऑर्डर तक पूछता है, तीन ऑर्डर तक पूछता है, इससे ज़्यादा आपके साथ नहीं खेलेगा। तो स्टार्ट करेगा एक एग्जांपल से, करिए इस एग्जांपल को, इनका आपको जनरल सॉल्यूशन बोल रहा है, निकालिए इन जनरल सॉल्यूशन। देखिए ये कैसी कौशी एलर इक्वेशन है, कौशी एलर इक्वेशन है, कौशी एलर इक्वेशन में इसमें क्या पुट करते हैं आपको पता है ना, एक्स पर पावर ई टू द पावर जेड पुट करते हैं, ठीक है, या दोनों साइड लॉग लेंगे तो एक्स पर ये पुट करते हैं, मतलब दोनों बात बराबर है, ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, इसको मान लीजिए पहला सो बढ़ाइएगा तो पहला कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये डी डी माइनस वन, दो डिग्री है ना, तो डी माइनस वन हो गया, प्लस ये क्या होगा, टू है तो टू, इनके बदले में क्या लिखेगा डी, यहाँ ट्वेंटी है तो ट्वेंटी, अब वाई तो कॉमन आ जाता है। अब देखिए ये क्या है, एक्स प्लस वन, तो एक्स का वैल्यू क्या है, ई पावर जेड प्लस वन का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम फिर समझा रहे हैं आपको। देखिए इनके बदला में एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर बदला में, यहाँ देखिए तो क्या है, डी डी माइनस वन, यहाँ पुट कर दी इनके बदला में डी डी माइनस वन, ये दो क्या है आपका कॉन्स्टेंट है, दो यहाँ रख लीजिए, इनको बदला में लिख दिए डी, कैसे, क्योंकि यहाँ पे एक्स डी वाई डी एक्स बदला में डी है, वही एक्स डी वाई डी एक्स बदला में डी, माइनस बीस, अब वाई तो सब में से कॉमन आ गया, ठीक है,
याद रहेगा, याद रहेगा। अब देखिए, अब ये याद करिए, पिछला दिन का क्वेश्चन बन गया गुना करिए इनको, ये हो गया डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 2d माइनस 20, यहाँ हो गया हुआ है ई टू द पावर जेड प्लस 1 का स्क्वायर। इनको यदि लेफ्ट साइड करिएगा गुना भाग, तो हो गया डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 20 वाई और इक्वल टू ई पावर जेड प्लस 1 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अब पिछले पिछले दिन का क्वेश्चन बन गया, ये क्या करते हैं सी एफ के लिए, याद करिए सी एफ के लिए क्या करते थे, लेफ्ट साइड वाला 0 पुट करते थे, ऐसे 0 पुट कर दी, इनको आप फैक्टर करते थे, तो फैक्टर कर दिए, फैक्टर के बाद इसको 0 करिए पुट करिएगा, 4 और माइनस 5, तो यही आ गया लेमडा 1, ये लेमडा 2, आपका सी एफ कितना आ जाएगा, सी वन ई पावर लेमडा 1x, सी टू ई पावर लेमडा 2x। इस पे साइड लिख दीजिए, लेमडा 1 है 4 माइनस 5, तो सी एफ कितना आ जाएगा आपका, चलिए लिखिए सी एफ, कुछ आया नहीं दोस्तों, पिछला क्लास में जो पढ़े वही है, सी एफ कितना हो जाएगा आपका, सी वन ई पावर 4। अब देखिए, यही बहुत बड़ा गलती होता है जो हम अभी कर दिए, यहाँ पे तो आप इसको जेड में कन्वर्ट कर दिए, नहीं यहाँ पे जेड है, यहाँ पे हर जगह जेड में कन्वर्ट कर दिए ना, जेड में, यहाँ पे एक्स नहीं आके क्या आएगा, जेड आएगा, बात को पकड़ रहे हैं, एक्स का रहा था फंक्शन तब नहीं, इस सब जेड में कन्वर्ट हो गया, देखिए नहीं सर जेड में कन्वर्ट हो गया, ये था एक्स में, ये आ गया जेड में कन्वर्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, जेड होगा। ये गलती बहुत लोग के साथ होता है और अभी मेरे साथ भी हुआ, यहाँ क्या होगा, जेड होगा, बात को समझे, कुछ है खास नहीं, चलिए पेन तो ले ही है, इनको 4z प्लस सी टू ई पावर माइनस 5z माइनस 5z। ध्यान से देखिए, आपको पता है कि x बराबर क्या पुट कर रहे थे, ई टू पावर जेड पुट किए हैं, देखिए ना यहाँ पे x बराबर ई पावर जेड, आपको तो फाइनल आंसर जेड में नहीं देना है, ये तो पुट किए x में देना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 1 ई पावर जेड इनका पावर 4, क्योंकि फिर इसको गुना करेगा तो 4z होगा, इसको 2z ई पावर जेड का पावर माइनस 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इनका आप इस्तेमाल कर लीजिए यहाँ पे, इनको लिखेगा आप सी वन, यहाँ पर रखिए जी जेड का वैल्यू एक्स, एक्स पावर 4, इनको रखिएगा सी टू एक्स पावर माइनस 5, ये आ गया आपका सी एफ, मतलब सी एफ आपका आ गया सी वन एक्स पावर 4 प्लस सी टू बटे एक्स पावर 5, ये आपका आ गया सी एफ। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अब बात आएगा पी आई का, दोस्तों पी आई निकालेंगे, पी आई निकालिए बड़ी आसान से, यहाँ से पी आई क्या होगा आपका, देखिए पी आई पेज है कि नहीं, हाँ पेज है, तो पी आई लिखिएगा, पी आई इक्वल टू 1/1 जो इक्वेशन होगा वो, तो इक्वेशन क्या है आपका, यहाँ से देखिए इसको इसको ले जाएगा लेफ्ट साइड, तो 1/1 टी स्क्वायर प्लस डी माइनस 20, ये हो गया आपका डी स्क्वायर माइनस डी माइनस प्लस 20, सॉरी यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, यहाँ आराम से निकालिए पी आई निकालिए तब तक। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है आपका ई जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर, ई जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ध्यान से देखिए ये हो गया आपका डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 20, ठीक, इनको खोल दीजिए, ई जेड ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी, अब इनको अलग अलग कर दीजिए, तो 1/1 डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 20 ई पावर ये कितना हो जाएगा 2z प्लस 2 बाहर, फिर यहाँ गुना होगा डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 20 ई पावर जेड प्लस, फिर इनको गुना करेंगे डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 20, यहाँ नहीं कुछ तो 1 को लिख सकते हैं ई पावर 0। अब देखिए ध्यान से इस साइड लाइए, यहाँ क्या था आपका डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 20 ई पावर 2z, ध्यान से देख लीजिए सर, आपको डी स्क्वायर प्लस डी यहाँ 2 था, डी माइनस 20 ई पावर जेड प्लस 1/1
डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 20 ई पावर ने कुछ तो 0 जेड। यहाँ ए का वैल्यू कितना है आपका, ए का वैल्यू है 2, देख लीजिए इसके केस में ए का वैल्यू 2 है, इनके केस में ए का वैल्यू 1 है, इनके केस में ए का वैल्यू 0 है। तो कुछ नहीं करना है, पुट कर देना है, बात बन जाएगा। याद है ना ई पावर ए लास्ट क्लास करना लेक्चर 9th का केस 1 डायरेक्ट डी को रिप्लेस कर देते हैं जब 0 नहीं हुआ तो रिप्लेस करिए। तो 2 दूनी 4 प्लस 2 माइनस 20 ई पावर 2 जेड प्लस ये 2 है तो 2 है 1/1 है तो 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 20 ई पावर जेड प्लस 1/0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 20 ई पावर 0 जेड। तो पी आई आपका आ गया 1/4 2 6 मतलब -60 ई पावर जेड का स्क्वायर लिख सकते हो, उसको एकदम लिख सकते हैं। ये दोनों कर गया तो -1/80 और ये मतलब +1 यहाँ माइनस बढ़िया से लिख देते हैं ई पावर जेड और यहाँ बच गया 1/-20 यहाँ नहीं कुछ तो 1। अब ध्यान दीजिए तो -1/16 ई पावर जेड का वैल्यू कितना है, एक्स को ई पावर जेड पुट किए थे ना, याद है कि नहीं पॉली केस में, तो इसको लिखेगा -1/(-1/20) ये आ गया पी आई। आपका फाइनल आंसर क्या होगा, वह एक्स क्या होता है सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ आप निकाले हैं, क्या निकाले हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे सी वन एक्स पावर 4 प्लस C2/(x^5) प्लस पी आई का बात करिएगा तो अभी जस्ट निकाले हैं -16 -1/16 x^(x^2) -1/20 x -1/20 सही है, एकदम सही है। तो ये हो गया वाई एक्स, यही तो आपका आंसर हो गया। क्लियर दोस्त, एकदम क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक यदि क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहीं गलती, अच्छा एक गलती हुआ यहाँ पर शायद लगता है, यहाँ पे ये 2 है ना, ये 2 आपका मिस हो रहा था, 2 ये हो गया 2 तो कट के कितना आ गया 1/2 मतलब कट खोट के कितना आ जाएगा आपका वाई एक्स इजिकल टू C1 x^4 प्लस C2 x^4 -1/16 x^2 और उनके बाद 16 ही नहीं हुआ। अरे यार यहाँ भी गलती हो गया दोस्त, ये दोनों जोड़िएगा तो यहाँ 14 होगा ना, बात को पकड़ रहे हैं, यहाँ पे 14 होगा ना, 6 घट रहा था ना, 6 घट रहा था ना, अभी कि मेरा हार्ड कॉपी से मैच नहीं किया, कोई बात नहीं, छोटी छोटी गलती होती रहता दोस्तों। यहाँ घटिएगा तो कितना होगा 14, फिर यहाँ भी 14, जोड़ घटा पर थोड़ा ध्यान देते रहिएगा 14, उनके बाद यहाँ भी 14 नहीं, और ये लिख लिए C1 + C2 - 15 ये कट गया तो 1/9 x - 1/20 ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए इनको निपटा दीजिए। ये भी देखिए कौशी इक्वेशन है, 3 ऑर्डर का है, इनको किसे रिप्लेस करिएगा, D D-1 D-2 इन तीन केस से, इनको 3 है तो 3 D D-1 फिर इनको 3 से फिर इनको ऐसे और ये वाई एक्स इक्वल टू। अब पुट क्या करते हैं अपने लोग को याद है ना, पुट क्या करते हैं x/e^z ऐसे पुट करते हैं या जेड इक्वल टू ln x ऐसे। तो इधर क्या हो गया x का वैल्यू e^z ln x का वैल्यू जेड, समझे नहीं समझे। अब इसको गुना भाग कर लीजिए, डी ये हो गया d^2 - 3d + 2 + 3 इसको भी गुना कर लीजिए d^2 - d ये तो d+1 है ही यहाँ वाई और इजिकल टू e^z + z ध्यान से यदि गुना भाग लेफ्ट साइड करिएगा आप आ जाएगा आपका d³ - 3d² + 2d + 3d² - 3d + d + 1 यहाँ आपका वाई रहेगा e^z + z कुछ गुना भाग करिएगा तो कैंसिल वनसिल होके
क्या बन जाएगा आपका? देखिए डी क्यू था, डी क्यू, अब देखिए ये और ये गायब हो जाएगा, गायब हो गया, दो को एक, तीन को, ये तीन को गायब हो गया, प्लस वन, देखिए कितना ईजी बन गया, वाई जेड इक्वल टू ई जेड प्लस जेड। इस चीज़ को आप उस पेज पे लिखेंगे, वहाँ से सी आई पी आई निकालने की कोशिश करेंगे। तो लिखिए कितना है आपका, डी क्यू प्लस वन वाई जेड इक्वावन ई जेड प्लस जेड, शायद यही ना है, हाँ यही है। तो सी आई एफ निकालिए, पी आई निकालिए, तो फोर सी आई एफ क्या करिएगा, लेफ्ट साइड वाला को जीरो पुट करिएगा, तो इनको जीरो आप पुट करिएगा, तो क्या क्या आंसर आएगा यहाँ से, इनका फैक्टर आपको पता है ना, ए क्यू बोला इनका जी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी ए बी माइनस, ये याद है कि नहीं है, पहला से करिएगा तो डी इक्वल टू माइनस वन आएगा, और यहाँ से निकलिएगा ये उसको द्विघात समीकरण फॉर्मूला से निकालिए, डी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटा टू ए। तो आगे आपका डी का वैल्यू माइनस वन और डी का वैल्यू वन अपन टू प्लस माइनस, यहाँ आ गया माइनस रूट थ्री, तो माइनस रूट थ्री लिख दीजिए आप, माइनस वन का वैल्यू आई लिख दीजिए, ये तो अल्फा प्लस आई बीटा आ गया, तो यहाँ से लेमडा वन इक्वल टू माइनस वन और लेमडा टू इक्वल टू वन बाई टू प्लस रूट थ्री और लेमडा थ्री इक्वल टू माइनस वन बाय प्लस वन रूट थ्री माइनस रूट थ्री बाय टू आई है, समझे कल जो पढ़े थे आप। तो सी आई एफ यहाँ से लिख सकते हैं, सी आई एफ क्या लिख सकते हैं, पहला वाला के लिए सी वन ई पावर लेमडा वन जेड यहाँ लिखेगा, यही याद रखना है, प्लस ई पावर अल्फा, ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका बीटा, अल्फा जेड लिखेगा सी वन कॉस बीटा जेड प्लस सी टू साइन बीटा जेड, ये हो गया। इस पेज पर हम फ्रेश से लिखते हैं सी एफ ई पावर लेमडा वन, लेमडा वन का वैल्यू माइनस माइनस जेड प्लस ई पावर हाफ है, हाफ वहाँ एक्स लिखते थे, यहाँ जेड लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सी कॉस रूट थ्री बाई टू जेड प्लस सी टू साइन रूट थ्री बाई टू जेड, समझे इक्वल इसके साथ है। अब देखिए ध्यान से, आप पुट क्या किए थे, पुट क्या किए थे, एक्स इजिकल टू ई पावर जेड, यही ना पुट किए थे, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, तो ई पावर जेड का वैल्यू एक्स, ई पावर माइनस जेड का वैल्यू एक्स पर पावर माइनस वन, इनका वैल्यू एक्स पावर वन बाई टू, याद है कि नहीं, देखिए ई जेड पर पावर हाफ लिख सकते हैं इसको, इसको लिखिएगा सी वन कॉस रूट थ्री बाई टू, यहाँ से जेड का आपको पता है एल एन एक्स होता है, एल एन एक्स प्लस सी टू साइन रूट थ्री बाई टू एल एन एक्स, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सी एफ यही हो गया आपका दोस्तों। अब पी आई निकालने का कोशिश करिए, पी आई, पी आई कैसे निकलेगा, इसी क्वेश्चन से निकलेगा, यहीं से, यहाँ से क्या है डी क्यू प्लस वन, इसको नीचे में बताएं डी क्यू प्लस वन ई पावर जेड प्लस जेड। अब ध्यान से देखिए, तो अलग अलग कर लीजिए, अलग अलग करिए, डी क्यू प्लस वन ई जेड प्लस वन बाय डी क्यू प्लस वन जेड, ये तो सिंपल है, यहाँ पे वैल्यू ए का वैल्यू कितना है वन है, तो पुट कर दीजिए, यहाँ नहीं कुछ, ए का वैल्यू वन है तो पुट कर देंगे डायरेक्ट, जब डायरेक्ट पुट करिएगा तो आ जाएगा कितना वन क्यू प्लस वन ई पावर जेड। इनका कल बताए थे बाइनोमियल वाला एक क्वेश्चन नहीं कराए थे, तो वही आ गया यहाँ पे, इसको थोड़ा फ्रेश करके उस साइड हम लिख लेंगे, उनके बाद डी क्यू जेड उस साइड पेज पर लिखते, देखिए पी आई आपका कितना आ गया वन बाई टू ई पर पावर जेड, सही है, देख लेते क्या है, देखिए हाँ वन बाई टू ई पर पावर जेड, यहाँ वन ओपन कितना है वन प्लस डी क्यू जेड है शायद, हाँ जेड है, ये तो निकल गया है वन ई पावर जेड, इसको ऊपर लीजिए वन प्लस डी क्यू पावर कितना माइनस वन होगा जेड, कल एक क्वेश्चन लिखे ये फॉर्मूला लिखे दिया था वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यार गलत हो गया,
माइनस होता है वहाँ पे, माइनस एक्स क्यूब ऐसा कुछ, वही इस्तेमाल करिए, वन बाई टू ई पावर जे, इसको लिखिए वन माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू डी क्यू प्लस डी स्क्वायर मतलब छः, इससे जो बढ़ते जाएगा यहाँ पे जेड आएगा, वन बाई टू ई पावर जेड, ई जेड से गुना करिए तो जेड, यहाँ पे तीन बार डी रिपीट होगा, ये तो एक बार में जीरो वन हो जाएगा, फिर दो बार में जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, हर जगह जीरो, समझ रहे हैं। ये डी क्यू का मतलब हुआ कि जेड को आप तीन बार डेरिवेटिव कर रहे हैं उस मल्टीप्लाई करके, तो वन से मल्टीप्लाई जेड होगा, फिर जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो हो जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, तो पी आई आ गया दोस्तों आपका फाइनल वन अपन टू ई जेड प्लस जेड। अब वन अपन टू ई जेड का वैल्यू एक्स, या अब याद होना चाहिए जेड का वैल्यू लॉग एक्स पिछला पेज से, तो पी आई भी निकल गया आपका, और क्या ये भी निकल गया, सी एफ भी निकल चुका है आपका, तो सी आई एफ और पी आई ये दोनों निकल गया है, आंसर क्या होगा आपका, आंसर की बात करिए तो वाई एक्स इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई करिएगा, और ये दोनों मिला के आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको निपटा दीजिए, फिर पी वाई भी करेंगे, थोड़ा अभी बेस बना रहे दोस्तों। तो देखिए ये कैसी इक्वेशन नहीं है, इनको आप देखिएगा, ये नॉट कौशी है, लेकिन ये कौशी बना सकते हैं आप, कैसे बना सकते हैं, यहाँ तीन है तो बगल में तीन होना चाहिए, यहाँ दो है तो बगल में दो होना चाहिए, यहाँ एक्स है तो एक डेरिवेटिव है तो यहाँ बगल में एक पावर होना चाहिए, तो आप एक्स से डिवाइड करिए दोनों से, तो यहाँ एक्स क्यूब बचेगा डी क्यूब बटा डी एक्स क्यूब टू एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, उसके बाद है आपका माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स, प्लस लिखा गया इसलिए ऐसे किए, एक्स डिवाइड कर दे वन, इधर बच गया आपका वन बटा एक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद हम लोग पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं आपको पता ही होगा, पुट करते हैं एक्स इक्वल टू ई पावर जेड या जेड इक्वल टू लॉग एक्स, दोनों एक ही बात है, पुट करिएगा तो कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट, व्हाइट पेन से लिख दें, चलिए रेडी से लिखते हैं, कन्वर्ट होगा किसमें, डी डी माइनस वन डी माइनस टू, और यहाँ होगा टू है तो टू डी डी माइनस वन, यहाँ नहीं कुछ है तो माइनस डी, यहाँ नहीं कुछ है तो प्लस वन, अब वह जेड आपका कॉमन आ गया, यहाँ वह है, और इस साइड हो गया आपका वन बटा एक्स, वन बाई एक्स को क्या लिख सकते हैं ई पावर माइनस जेड, एक्स का वैल्यू इतना है तो वन बाई एक्स का वैल्यू कितना, ई पावर दिस ई पावर माइनस जेड, आप गुना भाग करिए, अब तो क्वेश्चन हो गया वो लेक्चर नाइन लेक्चर एट वाला, ये हो गया आपका डी, ये हो गया डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू, ये हो गया टू डी को भेजिए अंदर डी स्क्वायर माइनस डी, ये माइनस डी प्लस वन तो आई, ये हो गया हुआ है इक्वल टू ई पावर माइनस जेड, इनको फिर अंदर भेजिए गुना करिए सब, डी क्यू माइनस थ्री डी स्क्वायर प्लस टू डी स्क्वायर माइनस टू डी, और यह हो गया माइनस डी प्लस वन, यह हुआ इक्वल टू ई पावर माइनस जेड। अब यदि ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कुछ कैंसिल होगा, कौन कौन कैंसिल होगा ध्यान से देखिए, ये और ये बेचारा कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा है तो गुना भाग करके क्या आ जाएगा आपका डी क्यू, और ये जुड़ जाएगा तो डी स्क्वायर, और यहाँ माइनस डी बच गया, और यहाँ प्लस वन, यहाँ तक कोई दिखा वह जेड होता है, यहाँ पे एक्स को जेड में कन्वर्ट कर दिए, अब इसको इस पेज पर लिखिए, क्वेश्चन बन जाएगा आपका डी क्यू माइनस डी स्क्वायर माइनस डी प्लस वन वाई जेड इजिकल टू ई पावर माइनस जेड, ये है ना, शायद ये है, देखिए अब तो सिंपल हो गया, सी एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट को जीरो करेंगे, अब उतना नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, हम लेफ्ट को जीरो कर रहे हैं, डी स्क्वायर डी क्यू माइनस डी स्क्वायर माइनस डी प्लस वन इजिकल टू जीरो, डी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए डी माइनस वन, यहाँ माइनस वन कॉमन ले लीजिए तो डी माइनस वन इक्वल टू जीरो, फिर डी स्क्वायर माइनस वन डी माइनस वन कॉमन ले लीजिए दोनों साइड से, इतना हो गया, फिर ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, अब डी का वैल्यू क्या आ गया वन वन, यहाँ से माइनस वन, मतलब डी का वैल्यू आ गया आपका लेमडा वन इक्वल टू लेमडा वन, नहीं ये हो गया आपका लेमडा टू, मतलब दो ठो रिपीट कर रहा है, तो कल रिपीट वाला बताए थे याद है,
सी एफ क्या होगा आपका सी वन प्लस सी टू एक्स नहीं, यहाँ पे जेड चलेगा, जेड है ना, जेड चलेगा, ई पा पावर लेमडा वन जेड। फार्मूला लिख दे, चलिए फार्मूला लिख देते आप लोग के लिए, फार्मूला को हम लिख देते हैं। फार्मूला क्या था, रिपीट इसको मान लिया, अच्छा लेमडा तो मान ही लिया है ना, देखिए तो वाई सॉरी सी एफ जो लिखिएगा आप सी एफ वो होगा सी वन प्लस सी टू जेड ई पावर लेमडा वन जेड, लेमडा वन आपका दो रिपीट करा दो बार, और सी थ्री ई पावर लेमडा टू जेड। तो यहाँ पे सी वन प्लस सी टू जेड ई लेमडा का वैल्यू, लेमडा वन का वैल्यू वन है, वन इंटू जेड प्लस सी थ्री इंटू लेमडा टू का वैल्यू माइनस वन, सी वन प्लस सी टू जेड का वैल्यू देख लीजिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पे लॉग है लॉग एक्स, यहाँ देंगे लॉग एक्स, ई टू पावर एक्स का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे एक्स है, यहाँ देंगे एक्स। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा अभी पी वाई क्यू में, ध्यान ई टू पावर माइनस एक्स का वैल्यू वन बटा एक्स। तो ये आपका दोस्तों सी एफ निकल चुका है। अब सी एफ निकल गया तो पी आई का झंझट हो गया था, पी आई कहाँ से निकालेंगे, यहीं से ना, यहाँ से इनको ले जाएंगे इधर लेफ्ट साइड, लिखिए आज पेज बहुत लेके आए, आज पेज में दिक्कत नहीं होगा, डी क्यू माइनस डी स्क्वायर माइनस डी प्लस वन ई पावर माइनस जेड माइनस जेड। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, ए का वैल्यू माइनस वन, तो जब माइनस वन रखिएगा तो क्या जीरो हो रहा है, हाँ जीरो हो रहा है, दिखा रहे हैं आपको कैसे जीरो हो रहा है, देखिए यहाँ लिखिएगा माइनस वन का क्यू माइनस वन का स्क्वायर, यहाँ लिखेगा लिखेगा माइनस वन प्लस वन, ध्यान से देखिए ये हो गया आपका माइनस वन माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन प्लस वन, ये जीरो हो गया ना, तो जीरो हो गया तो ये फार्मूला आपका डायरेक्ट वाला पुट वाला काम नहीं करेगा, उसके लिए आपको बताए थे कि ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, थ्री डी स्क्वायर माइनस टू डी माइनस वन, ये तो हो गया जीरो, याद है कि नहीं याद है, पिछला क्लास बताए थे जब जीरो हो जाएगा तो क्या करेंगे, ऊपर में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे जीरो करेंगे, अभी आप माइनस वन पुट करिए, अब माइनस वन, अब क्या होगा ए का वैल्यू माइनस वन है, अब पुट करिए तो अब जीरो नहीं होगा साइन, तो पुट करिए तो पुट कर एक्स बटा थ्री माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू माइनस वन और माइनस वन ई पावर माइनस जेड, सॉरी लेकिन यहाँ पे जेड चल रहा है ना, तो यहाँ जेड आएगा ना, वहाँ पे एक्स में समझाए थे तो इसलिए एक्स लिए, यहाँ जेड, ये सब छोटी छोटी गलती नहीं करना है, एग्जाम में प्रेशर रहता है, यहाँ जेड होगा तो ऊपर में जेड अपन ये हो गया थ्री, ये माइनस माइनस प्लस, तो थ्री तीन दो पाँच, पाँच माइनस एक गया चार ई पावर माइनस जेड, तो पी आई आपका कितना आ गया दोस्तों, जेड का वैल्यू लॉग एक्स अपन फोर ई पावर माइनस एक्स का वैल्यू पावर माइनस वन, मतलब पी आई आपका फाइनल आ गया, ये आ गया आपका लॉग एक्स अपन फोर एक्स। थोड़ा हम हार्ड कॉपी मिला लेते हैं, अब आंसर जो लिखिएगा आप आंसर आंसर मेन आंसर वाई इजिकल टू सी एफ प्लस पी आई, तो वाई एक्स इजिकल टू सी एफ का वैल्यू आपको पता ही होगा, यहाँ पे निकाले हैं सी वन प्लस सी टू लॉग एक्स, सी वन प्लस सी टू लॉग एक्स टू एक्स प्लस कितना है प्लस सी थ्री बटा एक्स प्लस पी आई, ये एक वैल्यू लॉग एक्स बटा फोर एक्स कह दे ना, यही आपका हो गया दोस्तों पी आई अरे फाइनल आंसर। इसमें यदि पी आई देखिएगा कौन है, सी आई कौन है वो भी देख सकते हैं, ये आपका आ गया पी आई, जो बाद बच गई ये दोनों है सी आई, ठीक है। तो हम अपना थोड़ा आंसर मिला लेते हैं कि सही में आंसर इतना है कि नहीं है, तो देख लेते हैं कि नहीं है दोस्तों, आंसर किधर, एक मिनट मिलाने दीजिए, हाँ करेक्ट है, पूरे करेक्ट है, नहीं जी थोड़ा बहुत मिस हुआ है क्या कहीं, ई पावर माइनस जेड, ई पावर माइनस जेड ठीक है, यहाँ तक ठीक है ठीक है, पी आई निकाले तो जीरो आ रहा था,
पीआई कहाँ है? पीआई 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 जीरो हो रहा था तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दिए। ठीक है सर, ठीक है। एकदम करेक्ट है, पूरे 100% करेक्ट है, पूरी यही आंसर भी दिया हुआ है। अब मिल गया आंसर हमको, मिले दूसरा क्वेश्चन भी यही आंसर होगा। ठीक है, यही आपका आंसर। चलिए अब शायद पी वाई क्यू वाई, अब आपको नीचे हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग चोरी कर लिए, आंसर तो यहाँ 3 दिखा हुआ है, 3 आंसर दोस्तों यही होगा। अब कैसे होगा वो समझना है, आंसर यहाँ पे आप लोग दिख गए तो उसका इसका मतलब ये नहीं कि देखना, पहले क्वेश्चन को पकड़िए ना उसको। अब आ गया, अब हो गया, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया इतना में, ये सब में आपका कॉन्सेप्ट हम बिल्ड कर दिए शुरू से। एक बार फिर दिखा देते, कुछ नहीं करना है, एक्स को एक्स डिवाइड एक्स डी करना है, एक्स स्क्वायर कितना करना है। जनरली आपको इसी दो पर आपको क्वेश्चन पूछता है, बहुत मुश्किल आ गया था ये 3 पूछता, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। जल्दी पी वाई क्यू करिए, ये 2016-06 में आया हुआ है, 6 मार्क में। क्वेश्चन को समझिए पहले क्या कर रहा है। क्वेश्चन आपका कह रहा है ये ध्यान से देखिए, ये सॉल्यूशन जो है, ये सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन है किनका, इनका। देखिए तब के का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, वो दिया हुआ है इन्हें कुछ, उनको फ्रेश से लिखिए क्या होता है, इनको भी फ्रेश से लिखिए क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, पहली बात ये जो है आपका एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज कल टू जीरो। यहाँ पे आप पुट क्या करते हैं, आपको याद है ना, पुट करते हैं क्या एक्स इजकल टू ई पावर जेड या जेड इजकल टू एल एन एक्स, यही दो पुट करते हैं। यहाँ पे क्या होगा आपका डी डी माइनस वन के तो के डी प्लस वन, यहाँ क्या होगा वाई जेड इजकल टू जीरो ही है। अब ध्यान दीजिए ये सॉल्यूशन इनका, इनको थोड़ा ध्यान से देखिए, इनको ये दिया हुआ क्या है, इसको हम रेड कलम में थोड़ा लिख रहे हैं नीचे हम, एक्चुअली वो दिया हुआ क्या है सोल्यूशन गिवेन क्या है यहाँ पे लिखे, चलिए लिखते हैं। वो दिया हुआ है सी वन प्लस सी टू एल एन एक्स, यहाँ पे एक्स नीचा एक्स माइनस ऊपर लिखते लगे। एक्चुअल में ये दिया हुआ आपका सी वन प्लस सी टू, जेड में कन्वर्ट करिए एल एन एक्स को जेड, एक्स का वैल्यू एक्स पर पावर माइनस वन का वैल्यू यहाँ से ई पर पावर माइनस जेड। आप बात को पकड़े, ये सॉल्यूशन है उनका ऊपर वाला का, इनका ये, तो आप क्या करते थे बता रहे हैं, इनको क्या करते थे एम से रिप्लेस करते थे, याद है एम इंटू एम माइनस वन प्लस के एम प्लस वन जीरो करते थे, ये हो गया एम स्क्वायर माइनस एम प्लस के एम प्लस वन निकल जीरो, फिर एम स्क्वायर एम ये दोनों में के ले लीजिए को मत के माइनस वन एम प्लस वन निकल जीरो। तो याद रखिए, याद करिए ये कब आता था ऐसा सी वन प्लस सी टू एक्स ई पावर माइनस जब जब लेमडा लेमडा का वैल्यू वन और वन आता था, मतलब एम का वैल्यू रिपीट होता था वन और वन दो बार, तभी ना बात को पकड़िए। तो इसका मतलब यहाँ पे इसको सेटिस्फाइड करेगा एम इजकल टू वन, एम इजकल टू वन, नहीं समझे पार्ट, ये चीज़ क्या बता रहा है कि हम एम इजकल टू वन से आए हैं, एम कहाँ पढ़ा हुआ यहाँ पे, इसमें एम इजकल टू वन पुट कर देंगे मेरा आंसर आ जाएगा, मतलब बात के नहीं पकड़े। ये चीज़ हम देख ली कि ये जनरेट होगा तो होगा कैसे भाई साहब, ये तो रिपीटेड रूट से आता है सी वन प्लस सी टू एक्स ई पावर माइनस एक्स, और माइनस यहाँ आया है तो इसका मतलब यहाँ पे फिर गलत कर रहे थे, ये माइनस है माइनस, तब ना यहाँ पे माइनस दीजिएगा माइनस, ये है माइनस, अब इसमें माइनस पुट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। आपको के निकलना है, इसमें माइनस एम का वैल्यू माइनस पुट करिए, पुट करिएगा तो क्या होगा आपका माइनस वन का स्क्वायर प्लस के माइनस वन, यहाँ एम का वैल्यू माइनस वन, वन इक्वल टू जीरो, ये हो गया वन, ये हो गया आपका के माइनस माइनस प्लस वन प्लस वन इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू कितना गया 3 आ गया। तो कितना इजी क्वेश्चन आया था बिहार में, थोड़ा सोचने वाला था एक्चुअली में, अपने लोग करते क्या, देखिए अब देखिए ध्यान से अब दिखा देते, केज का के का वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करिए इसमें, नहीं आपके सामने आ रही, देखिए केज कल टू 3 ले करके ये, तो क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर
डी ए स्क्वायर बाय, वेरीफाई कर देते हैं, और कितना है प्लस के है ना, प्लस के एक्स, प्लस के का वैल्यू 3x डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई कर लीजिए। अब इनका सॉल्यूशन निकालिए तो क्या उतना ही आ रहा है यदि जितना दिया हुआ है, तो आपको पता है इनको क्या करिएगा, आपको इनको आप लिखेगा डी डी माइनस वन प्लस थ्री, इनको लिखेगा डी, इनको लिखेगा वन, यहाँ पे वाई एक्स सॉरी वाई जेड इजिकल टू जीरो। अब फिर क्या करें, इसमें पुट कर दिए हैं, इसमें कन्वर्ट करने से पहले पुट करते हैं एक्स इजिकल टू ई पावर जेड, ठीक है, जेड इजिकल टू एल एन एक्स, बात को समझ रहे हैं ये। अब ये तो अब पिछला क्लास में बन गया, इनको आप क्या करते हैं लेफ्ट साइड को जीरो करते थे, डी डी माइनस वन प्लस थ्री डी प्लस वन इजिकल टू जीरो, मतलब डी स्क्वायर माइनस डी प्लस थ्री डी प्लस वन इजिकल टू जीरो, मतलब डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन इजिकल टू जीरो। अब ये हो गया डी प्लस वन का स्क्वायर इजिकल टू जीरो, यहाँ से आ गया डी का वैल्यू माइनस वन माइनस वन, मतलब वाई जेड आप लिखिएगा तो ये हो गया सी वन प्लस सी टू एक्स, यहाँ पे जेड चलेगा क्योंकि आप जेड में कन्वर्ट कर लिए हैं, ई पावर लेमडा लेमडा का वैल्यू माइनस वन जेड। अब पुट कर लीजिए एक्स में कन्वर्ट कर लीजिए क्योंकि फाइनल आंसर तो आपको एक्स में चाहिए, एक्स में कन्वर्ट कर गया तो सी वन प्लस सी टू जेड का वैल्यू यहाँ एक्स में क्या हुआ एल एन एक्स है, एल एन एक्स ई पावर माइनस जेड का वैल्यू, यहाँ से ई पावर माइनस जेड का वैल्यू वन बटा एक्स, वन बटा एक्स को ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए ध्यान से यही चीज़ गिवन होगा वहाँ पे, देखिए है ये देखिए है यहाँ पे वही चीज़, तो ये उल्टा खेल गया, आपको डायरेक्ट आंसर दे दिया और क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, आप बोला ये निकालो के का वैल्यू निकालो, क्योंकि एग्जामिनर भी बहुत चलाक हो गया है ना आजकल। चलिए इसको करिए, ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, इनको निपटा दीजिए तो आप जल्दी, ये 2019 में आया हुआ है दो मार्क में, कुछ है नहीं, जो जो दिया हुआ है उनको करना है आंसर लाना है। क्वेश्चन को पहले समझिए, क्वेश्चन का क्या रहा है, क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। देखिए पहली बात, एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये किनका सॉल्यूशन है, ये मतलब ये पुट करिएगा तो वो सेटिस्फाई करेगा, तो किनको सेटिस्फाई करेगा, तो ये चेला को, नर्स पकड़िए ना पहले डॉक्टर के पास आया तो ये चेला को, ये चेला तो सॉल्व करने लायक है, यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए सेकेंड ऑर्डर का है तो दो कॉन्स्टेंट आएगा, एक कॉन्स्टेंट निकालने के लिए यहाँ आइए, देखिए दो चीज़ दिया ही है, बात बन गया, बात समझे, तो सॉल्व करिए एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू जीरो। अब इनको कन्वर्ट करिए, पुट करिए, पुट करिए क्या एक्स ई पावर जेड या जेड इजिकल टू एल एन एक्स, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका डी डी माइनस वन थ्री डी प्लस थ्री, वही ना यहाँ यहाँ नहीं कुछ है तो वाई जेड होगा। अब यहाँ पे इसको एम में कन्वर्ट, डी एम रहने डी स्क्वायर माइनस डी माइनस थ्री डी प्लस जीरो होगा, ये जीरो होगा, जीरो लिख दिए, ये हो गया डी स्क्वायर माइनस फोर डी थ्री इजिकल टू जीरो, मतलब डी का वैल्यू यहाँ से आ गया आपका डी माइनस थ्री डी माइनस वन इजकल टू जीरो, मतलब डी इजकल टू कलम लबड़ा रहा, मूड खराब हो गया, पूरा सिस्टम ही उड़ गया वहाँ से, छोड़िए फिर लिख देते हैं। देखिए फिर समझा देते हैं, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है किसका, इनका, दो कंडीशन यूज करेंगे, ये पूछ रहा है तो बाद में निकल जाएगा। देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं आप, ऊपर वाला को लिखिएगा डी डी माइनस वन थ्री डी प्लस थ्री, ये हो गया वाई जेड इजिकल टू जीरो, पुट किया है आप वाई इजिकल टू सॉरी कितना पुट किया है एक्स इजिकल टू ई पावर जेड और जेड इजिकल टू एल एन एक्स, यही पुट किया है। अब क्या करिएगा, इनको जीरो करिएगा लेफ्ट साइड वाला को, इनको ये क्या होगा आपका डी स्क्वायर माइनस डी माइनस थ्री डी प्लस थ्री इजिकल टू जीरो, इनको फिर लिख गया डी स्क्वायर माइनस फोर डी थ्री इजकल टू जीरो, इसको लिख गया डी माइनस वन डी माइनस थ्री इजकल टू जीरो, यहाँ से डी का वैल्यू आ गया वन और थ्री। अब यहाँ से वाई जेड आप लिखिएगा तो ये होगा सी वन ई पावर वन इंटू जेड प्लस सी टू ई पावर थ्री इंटू जेड, वाई एक्स में कन्वर्ट करेगा तो सी वन ई टू पावर एक्स का वैल्यू
यहाँ से एक्स सी टू एक्स इसका इजेड का क्यू करिएगा ना, इतना आ जाएगा, मतलब एक्स क्यू, एक्स क्यू। यदि ध्यान से देखिए यही कर दें, यहाँ से कर दे, देखिए इसको और आगे बढ़ा रहे हैं, वह एक्स इजिकल टू, यहाँ से एक्स एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा आपका, एक्स कॉमन लीजिएगा तो सी वन प्लस सी टू एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए यहाँ इससे जो कंपेयर, इससे जो कंपेयर करिएगा इनसे, ये बंदा से, यहाँ क्या है एक्स है के बाद भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, उनके बाद ये भी एक्स हो गया ना आपका, ये भी एक्स, बात को समझ रहे, एक्स भी एक्स, तो भी एक्स का वैल्यू निकल गया आपके पास, भी एक्स का वैल्यू कितना आपका आएगा आपका सी वन प्लस सी टू एक्स स्क्वायर। अब कुछ कंडीशन दिया हुआ है, क्या कंडीशन दिया हुआ है, ये देखिए ध्यान से, ये वाला और ये वाला, वाई जीरो पर जीरो, वन पर वन, तो पुट करिए वाई जीरो इजिकल टू जीरो, तो जीरो पुट करिएगा मतलब भी, ओहो वाई नहीं है भी है यार, वाई नहीं है भी है, तो करिए भी, तो भी जीरो इजिकल टू जीरो दिया हुआ है, इसका मतलब है इसमें एक्स का वैल्यू जीरो पुट करिए, भी का वैल्यू जीरो करिए, जीरो इजिकल टू सी वन प्लस सी टू का वैल्यू जीरो, मतलब सी वन तो आपका आ गया जीरो, और एक चीज़ दिया है भी वन इजिकल टू वन, इधर लेफ्ट साइड वन पुट करिए, सी वन प्लस सी टू वन का स्क्वायर, वन किलो सी वन प्लस सी टू, सी वन का वैल्यू कितना है जीरो प्लस सी टू, आ गया यहाँ से आपका सी टू का वैल्यू वन। अब यहाँ पे फिर पुट कर दीजिए इसमें सी वन सी टू का वैल्यू, तो भी एक्स इजिकल टू कितना आएगा सी वन जीरो सी टू वन इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब भी एक्स इजिकल टू कितना आ गया आपका एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। पूछ क्या रहा है आपको, पूछ रहा है यहाँ पे भी माइनस टू का वैल्यू, भी माइनस टू का वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब पुट क्या करिएगा आप इसमें भी माइनस टू का वैल्यू, यहाँ माइनस टू का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर फाइव, यही हो गया आपका आंसर, ट्रस्ट करिए। ओए माइनस टू का स्क्वायर फाइव होता है, कहाँ पड़े हैं, चार होता है ना, चार आंसर दिया हुआ है, 100% सही है आपका, ठीक है। ये 2000 कब आया हुआ था क्वेश्चन, 2019 में, दो मार्क में आपको दो मार्क मिल जाएगा, दो मार्क मिल जाएगा, क्लियर क्लियर है, तो ये क्वेश्चन भी बढ़ा दीजिए, ये कब आया हुआ है 2017 में, उससे पहले एक डेढ़ साल पहले, देखिए बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन आता है, इसलिए हम इतना प्रैक्टिस करवा देंगे ना आपको, क्वेश्चन छोटे गाने और पी वाई क्यू भी करेंगे, क्वेश्चन पढ़िए नस पकड़िए, वाई एक्स क्या है, कोई सोल्यूशन है, किसका सोल्यूशन है भाई, इनका सोल्यूशन है, इनका सोल्यूशन है, इसको थोड़ा घेरते हैं नस पकड़ते हैं, इसको सब कर सकते हैं, हाँ एकदम कर सकते हैं, कॉसीलर इक्वेशन है, एक कंडीशन यहाँ दिया हुआ है, एक कंडीशन यहाँ, क्यों दो को दिया है, क्योंकि दो को कॉन्स्टेंट है, नस पकड़ा गया क्वेश्चन सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स डी वाई वाई डी एक्स प्लस फोर वाई इजिकल टू जीरो। अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए, पुट कर दीजिए, क्या पुट करिएगा, एक्स की वैल्यू ई पावर जेड और जेड इजिकल टू लॉग एक्स, यही दो चीज, दोनों एक ही बात है, पुट करिएगा तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, डी डी माइनस वन फाइव डी प्लस फोर वाई जेड इजिकल टू जीरो। इनके बाद इनको जीरो पुट करिएगा, सॉल्व करिएगा, डी स्क्वायर माइनस डी फाइव डी फोर इजिकल टू जीरो, डी स्क्वायर प्लस फोर डी प्लस फोर इक्वल, ये तो ए माइनस बी का हले स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ से आपका डी का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस टू माइनस टू माइनस टू, तो वाई ऑफ जेड इजिकल लिखेगा, क्या लिखेगा सी वन प्लस सी टू जेड, वहाँ एक्स आता था लेकिन अभी तो जेड चल रहा है माइनस लेमडा जेड। अब देखिए वाई एक्स में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि आंसर तो फाइनली वाई एक्स में देना है, तो कन्वर्ट करिएगा तो सी वन प्लस सी टू जेड का वैल्यू लॉग एक्स, इसको इधर देखिए ई टू द पावर जेड का वैल्यू एक्स, तो ई पाव इसको लिख सकते ई पावर माइनस जेड जेड पावर माइनस टू, मतलब एक्स की वैल्यू माइनस टू, समझे, ये हो गया सी वन प्लस सी टू एल एन एक्स बटा एक्स स्क्वायर वाई एक्स। अब देखिए जो दिया हुआ करेंगे, निकल गया।
अब देखिए ध्यान से, इसमें डेरिवेटिव का भी यूज होगा, तो इसको डेरिवेटिव कर लीजिए, डिफ्रेंशिएशन वाई डैश एक्स निकालिए, इसको यू डू भी कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। यहाँ हो गया निचला का स्क्वायर होता है यू वाई भी से, यहाँ पे निचला को रखते हैं ऊपर वाला करते हैं, इनका जीरो हो जाएगा, ये सी टू बटा एक्स होगा, उसके बाद माइनस होता है सी वन प्लस सी टू एल एन एक्स, और ये एक्स स्क्वायर का टू एक्स। नहीं समझे बता रहे, देखिए इनको आप मान लीजिए यू बटा भी, आपको याद है ना यू वाई डिग्री एलेवेंथ में भी को रखते हैं यू का करते हैं, फिर माइनस इसको यू को रखेंगे भी का करेंगे, तो भी का एक्स स्क्वायर टू एक्स बटा भी स्क्वायर होता है, नीचा में आ गया। इतना हम सॉरी इतना हम निकाल के रख लिए जो जो हमको ज़रूरत था। अरे यार गलत हो गया रहा। ठीक है अब इतना निकालिए, तो अब ये दो कंडीशन दिया हुआ है ना उनको यूज करिए। कंडीशन क्या है दोस्तों, कंडीशन देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए y1 कितना है, 1 है, इसमें पुट करिए y1 इक्वल टू 1, इसका मतलब है यहाँ y1 होगा पुट, इधर भी 1 पुट करिए, c1 l1 में कितना होता है जीरो होता है, तो c2 इधर जीरो हो जाएगा, तो प्लस जीरो बटा 1 के स्क्वायर, मतलब c1 आपका आ गया 1। y डैश कुछ और दिया हुआ है, देखिए y डैश 1 पर जीरो है, 1 0 है, इसका मतलब हुआ इसमें x का वैल्यू 1 पुट करिए, लेफ्ट साइड 0 पुट करिए, तो 0 इक्वल टू इधर आप 1 पुट करिएगा तो ये हो गया c2 ये तो 0 ही हो जाएगा, 1 पुट करिएगा तो यहाँ c1 आएगा, c1 का वैल्यू 1 है, यहाँ माइनस होगा ना, नहीं पकड़ रहे आप लोग पॉइंट लग रहा है, पकड़ लीजिए देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1 पुट करिए इसमें, क्योंकि देखिए एक्स का वैल्यू 1 है, वाई का वैल्यू वाई डैश का वैल्यू 0 है, तो यहाँ तो हम 0 पुट कर दिए, ये हो गया c2 ये 1 हो गया, l1 0 ये हो गया 2 -2 c1, और नीचा में 1 का स्क्वायर उतना ही 1 ही हो जाएगा, यहाँ से c2 का वैल्यू 2c1 और 2c1 का वैल्यू 1 ही है, पुट कर दिए ऊपर से, c1 आ गया c2 2 आ गया। अब इसमें वो चीज़ पुट कर दीजिए, पूछ क्या रहा है आपका, ये इसका वैल्यू पूछ रहा है ना, इनका इधर गया इनका वाई नहीं बगल में इसको, तो इसमें पुट करिए आपका वाई एक्स क्या आ गया आपका, c1 का वैल्यू 1 c2 का वैल्यू 2, तो c1 प्लस c2 c का वैल्यू 2 एल एन एक्स, कुछ नहीं कर रहे यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 पुट कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं इधर, हो गया एक्स स्क्वायर की उधर ला लीजिए वाई एक्स 1 प्लस 2 एल एन एक्स। अब ये आ गया, अब देखिए पूछ क्या रहा है यहाँ पे, देखिए ई स्क्वायर वाई मतलब पुट क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स इक्वल टू ई पुट करना पड़ेगा, जब ओ पुट करिएगा आप तो क्या बन जाएगा आपका, ई स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 प्लस 2 एल एन ई, 1 प्लस 2 एल एन ई का वैल्यू 1, वाई ई और बगल में ई स्क्वायर का वैल्यू 3, और 3 क्या है आपका 100% आंसर सही है, मतलब 100% सही आंसर है मेरे पास। आपको कैसे पता, हम पढ़ के आए हैं, हमारे बगल में भी आंसर भी है, हार्ड कॉपी भी है, क्वेश्चन बैंक भी है, बहुत सारा चीज़ है, ऐसे मुंह उठा के क्लास में आज नहीं आ जाते पढ़ने के लिए, पहले पढ़ते हैं पूरा तब आते हैं, ठीक है उस आते हैं तो चलो इसको निपटाइए, क्या हुआ है, कुछ नहीं क्वेश्चन को पकड़िए, देखिए बी पूछ रहा है आपको, कलम ले लीजिए रेड वाला तब समझा रहा है आपको, बी निकालना है दोस्तों, बी कब निकालना है ये इनको, ये तो सॉल्व करने लायक आपको है, सॉल्व कर सकते हैं एकदम कर सकते हैं, ट्राई करिए सॉल्व करने का। कंडीशन C1 C2 आएगा तो एक कंडीशन ये बात बन जाएगा। नॉन ट्रिवियल, देखिए नॉन ट्रिवियल कहीं पढ़ाए थे, नॉन ट्रिवियल का मतलब अदर देन जीरो सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे आप जीरो सॉल्यूशन के अलावा लीजिए, जीरो सॉल्यूशन का काम नहीं चलेगा, जीरो यहाँ सेटिस्फाइड नहीं होगा। चलिए इसका मतलब समझ गए, अभी जो बकवास किए, अदर देन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं, ये हो चुका है क्लास कौन लेक्चर में, 6ठा या 7वां में हो चुका है कि 8वां में, वो पिछले वाला क्लास में देख सकते हैं, ए का वैल्यू 1 है वो तो देख लेंगे बाद में। क्वेश्चन क्या आपका, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर बाय बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, बहुत टाइम हो गया जल्दी खींचिए, शायद 1-2 क्वेश्चन और होगा, इसको लिख सकते हैं डी डी माइनस 1 प्लस डी प्लस 1
वाई जेड इक्वल टू जीरो पुट किए हैं एक्स इक्वल टू ई पावर जेड। अब देखिए सॉल्व करने के लिए इनको जीरो पुट करेंगे, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी इक्वल टू जीरो, ये तो कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर प्लस वन की जीरो लिखेगा, डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन इसको लिखेगा आई स्क्वायर मतलब डी इक्वल टू प्लस माइनस आई मतलब डी इक्वल टू जीरो प्लस माइनस आई, तो ये हो गया अल्फा प्लस माइनस आई बीटा फॉर्म पे जीरो और वन आ गया आपका, मतलब वाई जेड आपको लिखना चाहिएगा ई पावर अल्फा जेड सी वन कॉस बीटा जेड प्लस सी टू साइन बीटा जेड होगा, तो ई पावर जीरो इंटू जेड अल्फा की वैल्यू जीरो है सी वन कॉस बीटा की वैल्यू वन है, इतना लिख दीजिएगा कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब वाई एक्स में इनको कन्वर्ट करिए, इनको वाई जेड को, ये तो वन हो गया वन, ये हो गया सी वन कॉस जेड का वैल्यू लॉग एक्स, अभी तक मैं याद होना जाने साइन लॉग एक्स, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका निकल गया। अब कंडीशन दिया हुआ क्या देख लीजिए, कंडीशन वाई वन पे जीरो ऐसा कंडीशन है, वाई वन पे जीरो और यही वाई बी पे भी जीरो, मतलब ये भी है ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, कुछ नहीं इसका यूज करिए, किन का वाई वन इक्वल टू जीरो पहले इनका करिए इस्तेमाल, तो इसमें पुट करिए, इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पर वाई कितना है जीरो है, तो वाई जीरो है कब इसमें एक्स इक्वल टू वन पुट कर दीजिए, सी वन कॉस एल एन वन जीरो प्लस सी टू एल एन वन कितना हो गया साइन जीरो, एल एन जीरो होता है ना, सी वन यहाँ आ गया जीरो, ये कॉस जीरो वन ये हो गया जीरो, मतलब सी वन का वैल्यू आ गया आपका शून्य। अब यहाँ पे सी वन शून्य शून्य जब ये होगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि सी वन यही है, तो वाई एक्स आपका क्या आ जाएगा सी टू साइन एल एन एक्स ये बन जाएगा नया। अब एक कंडीशन और दिया हुआ है क्या, वाई बी इजिकल टू जीरो यहाँ पे देखिए ना, ये दिया हुआ है तो अब पुट करिए, तो मतलब क्या एक्स इजिकल टू बी पर वाई का वैल्यू कितना जीरो, जीरो इजिकल टू और पेज है क्या हाँ है, इसी साइड निपटा दें, चलिए यहीं निपटा लेते हैं, ये हो गया सी टू एल एन एक्स के वैल्यू बी पुट करेंगे, नहीं समझे यार एक्स इक्वल टू बी वाई इक्वल टू जीरो पुट करिए ना इसमें, जीरो हो गया ये सी टू साइन एल एन बी, तो इस पेज पे लिख लीजिए सी टू साइन एल एन बी इक्वल टू जीरो। अब बात आता है यहाँ पे दो केस बनेगा, पहला केस जब आपका सी टू हो गया जीरो, जब सी टू हो गया जीरो देन वाई एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका बताइए, सी वन तो पहले जीरो था जीरो प्लस जीरो जीरो ये कितना होगा जीरो प्लस जीरो मतलब जीरो, तो वाई एक्स इजिकल टू हो गया जीरो, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीरो सॉल्यूशन तो भाई चलेगा ही नहीं, उसके अलावा बोलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज नॉट पॉसिबल, इसका मतलब ये जीरो आपका नहीं हो सकता है, सी टू जीरो नहीं हो सकता, इनको ही जीरो होना पड़ेगा, मतलब केस सेकेंड, केस सेकेंड लीजिएगा, लीजिए देखिए केस सेकेंड में क्या हो ये साइन एल एन बी इसको जीरो लेना पड़ेगा, इनको जीरो लेकर सॉल्व करिए बी का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, साइन जीरो जीरो कब होगा आपका ये पता है, एल एन बी इक्वल टू क्या ये जीरो कब होगा, जब जीरो हो जाएगा, या जीरो नहीं तो इसका जनरल सॉल्यूशन यदि लिखिएगा साइन इनका क्या होता है साइन जीरो इक्वल टू जीरो एन पाए, याद आया कुछ, क्योंकि जनरल यहाँ पे कुछ कंडीशन नहीं है इसलिए जनरल सॉल्यूशन फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, एक फॉर्मूला नहीं याद है आपको साइन थीटा इक्वल टू जीरो तो थीटा इक्वल टू एन पाए वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ये सब फॉर्मूला अले वन में पढ़े होंगे बहुत बढ़िया से, तो यहाँ कितना हो जाएगा एल एन बी थीटा इक्वल एल एन बी इक्वल टू कितना एन पाए और लॉग ई बी नहीं कुछ तो बेसी होता है एन पाए जहाँ एन बिलोंग्स टू इंटीजर, इसीलिए बी इक्वल टू ई को उधर लीजिएगा ई पावर एन पाए एन बिलोंग्स टू आई, यही तो आंसर हो गया आपका फाइनल, यही दिया हुआ है बुक में, मेरे पास जब भी बुक है बगल में एक बार मिला के बोल देते हैं आपको उतना ही आंसर है कि नहीं है, एकदम उतना ही होगा पक्का होगा उतना ही हम बोल रहे हैं ना।
किधर गया आंसर, एक मिनट एक मिनट, हाँ वही आंसर है, ठीक है श्योर है। और है क्वेश्चन क्या, एक क्वेश्चन और है उनको भी कर, देखिए आंसर तो आपको पता चल गया सी है, लेकिन सी कैसे है वो भी देख लीजिए कुछ नहीं। ई क्वेश्चन आसान है, ये देखिए 2005 में 6 नंबर में आया हुआ है दोस्तों, करिए क्या है आपका, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 9y इक्वल टू 0। इसको d में कन्वर्ट करिएगा तो d में जब ये कन्वर्ट करिएगा दोस्तों डी डी माइनस 1 होगा, 5d होगा प्लस 9 इक्वल टू 0 होगा, डी स्क्वायर माइनस डी। अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों कर लीजिए, बहुत मेहनत से बना रहे हैं। 5d माइनस डी उल्टा पुल्टा लिख दे, थोड़ा आप कौन काटेगा इनको, डी स्क्वायर माइनस 6d 9 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए डी माइनस 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये माइनस बी का स्क्वायर, डी डी आ गया 3 इंटू 3 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, वाई जेड आप लिखेगा C1 प्लस C2 एक्स, यहाँ पे जेड चलेगा, ई पर पावर 3z मतलब लैम्डा, यदि इसको वाई एक्स में आप यदि कन्वर्ट करना चाहिएगा तो ये हो गया C1 प्लस C2, जेड को आप लॉग एक्स पुट करते हैं, बहुत पहले से याद होगा, इसको ई पावर जेड का क्यू लिखेगा मतलब एक्स का क्यू, आ गया कितना C1 प्लस C2 ln x। पहले देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता थे दोस्तों, ये हो गया आपका फाइनल आंसर C1 प्लस C2 ln x x क्यू, कहाँ पर बैठा हुआ, इसी बैठा हुआ, यहाँ पे ln x होगा, छोटा मिस है, C1 प्लस C2 ln x प्रिंटिंग मिस्टेक है x क्यू, ये आंसर हो गया ठीक है। और वो नहीं है, अच्छा वो तो बी पे बैठा हुआ है दोस्तों, हो गया आंसर, शायद आंसर यहाँ पे क्लिक वो रंगा हुआ गलत है, अपने लोग का आंसर क्या आया है देख लीजिए, C1 प्लस C2 ln x x क्यू, ये तो अपने लोग का ये हो गया आंसर, ये गलत है, ये सब गलत है, देखिए कभी कभी होता है मिस प्रिंटिंग में जल्दबाजी में। चलिए एक क्वेश्चन और करिए, ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ था, क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लीजिए और आराम से बनाइए, सॉल्वेबल है क्या, लेकिन थोड़ा लॉन्ग है, इसको एच डब्ल्यू में रख लीजिए, वैसे हम पी वाई क्यू में करा ही देंगे, इसको आप लोग खुद करिए, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सी एफ निकालिएगा फिर उनके बाद पी आई निकालिएगा, चलिए निकाल ही देते, आप लोग बोलेगा ये क्वेश्चन हार्ड है छोड़ दिया, उसके बाद निकाल ही देते, देखिए इसी यहीं से स्टार्ट कर, देखिए पहले सी एफ इसको कन्वर्ट करिए, ये होगा डी डी माइनस 1 प्लस डी माइनस 4, यहाँ होगा वाई जेड, इधर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या लिखा है, ई जेड का स्क्वायर मतलब 2z, कोई दिक्कत, अब सी एफ के लिए इनको पुट करिए 0, हो गया डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी माइनस 4 इजकल टू 0, डी स्क्वायर माइनस 4 इजकल टू 0, डी इजकल टू कितना प्लस माइनस 2, डिस्टिंग है और रियल है तो सी एफ कितना आ जाएगा आपका, सी एफ C1 प्लस C2 को मिटाना ही पड़ेगा, क्या आ जाएगा आपको पता है, डिस्टिंग और रियल आदत क्या होता है, CF C1 ई पावर लैम्डा जेड प्लस C2 ई पावर लैम्डा 2 जेड, ध्यान से देखिएगा तो CF आपका कितना आ जाएगा, C1 ई पावर जेड को बोलिए एक्स बोलते थे, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस C2 बटा एक्स स्क्वायर, ये आपका सी एफ निकल गया, इसको निकाल के रख लिए। अब क्या है पी आई निकालने का बारी है, पी आई निकलेगा तो 1/1 इसको नीचे लीजिएगा, इनको इनको सॉल्व करिएगा तो डी स्क्वायर माइनस 4 ही आएगा, डी स्क्वायर माइनस 4 नीचा ई पावर 2z। अब यहाँ पे 2 जब पुट करिएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 के केस में बताए हैं क्या, एक्स ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, वो दिक्कत, अब डायरेक्ट डी का वैल्यू 2 पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू कितना 2×4 ई पावर 2z, पी आई को एक्स में कन्वर्ट करिएगा, यही गलत हो गया, यहाँ एक्स होगा ना, अपने लोग जेड के साथ खेल रहे हैं, सॉरी एक्स थोड़े होगा, अपने लोग जेड के साथ खेल रहे हैं तो जेड होगा ना, हर जगह वो तो फार्मूला में रटे हैं ना, एक्स होगा यहाँ भी जेड यहाँ भी जेड, और जेड का वैल्यू क्या 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 रटे हुए हैं पता है, जेड इक्वल टू ln x बटा 4 ई पावर 2z है, ये यहाँ 2 है ना, क्या हो रहा है आज मेरे साथ, यहाँ पे 2 है 2 2, इसको क्या लिखेगा एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका पी आई,
अब सॉल्यूशन लिख लीजिए, वाई एक्स इजकल टू सी एफ प्लस सी आई, तो वाई एक्स इजकल टू सी एफ का वैल्यू ऊपर निकाले, सी वन एक्स स्क्वायर प्लस सी टू बटा एक्स स्क्वायर, सी वन ठीक है, सी वन एक्स स्क्वायर प्लस सी टू बटा एक्स स्क्वायर प्लस सी आई कितना है, एल एन एक्स एक्स स्क्वायर बटा फोर, हाँ फोर है। अब ये आ गया आपका, क्या आ गया आपका, ये आ गया आप जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ये आ गया, इनको आप ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए ना कैसे। अब क्वेश्चन में दो तीन कंडीशन दिया उस पर ध्यान देंगे, क्या दिया हुआ है देखिए ध्यान से, पहली बात कि ये लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, दूसरी कंडीशन वाई वन पे वन होना चाहिए, फिर वाई डैश वन पूछ रहा है आपको, तो यहाँ लिख लेते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस वाई एक्स एग्जिस्ट होना चाहिए, यहाँ जब जीरो पुट करिएगा तो ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वन बाई जीरो इन्फिनिटी हो जाता है, मतलब ये इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि सी टू का वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी वो डिफाइंड होगा। ये लाइन से क्लियर हो गया, ये इस लाइन से ये तभी डिफाइंड होगा, देखिए इसका लिमिट जीरो पर तभी डिफाइंड होगा जब ये सी टू आपका जीरो होगा, जब सी टू जीरो नहीं होगा तो यहाँ जीरो देगा अनडिफाइंड हो जाएगा। एक चीज़ तो यहाँ से निकल गया, एक कॉन्स्टेंट बचा था, एक कॉन्स्टेंट वाई वन पर, वाई वन करिए, वाई वन इजकल टू वन, आप लोग को होमवर्क में दिए थे तो आप लोग सोचे कि मस्ट इसको मजाक हो गया नहीं करता है, ऐसा बात नहीं, तो वन इजकल टू, टेस्ट में एग्जाम देते थे बस का सारा पी वी किए थे, यहाँ पे वन पुट कर दीजिए तो ये हो गया आपका सी वन, ये तो जीरो हो गया, यहाँ एल एन वन होगा तो वो भी जीरो, मतलब सी वन आ गया आपका वन, यहाँ पे पुट कर लीजिए। तो आपको चाहिए क्या, आपको डिफ्रेंशिएशन की ज़रूरत है ना, आप देखिए ना, वो डिफ्रेंशिएशन की ज़रूरत है ना, डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए यहीं पे, वाई डैश एक्स करिएगा, ये तो जीरो ही हो गया भाई, उनको छोड़िए, उनको हटा ही दीजिए, ये तो हो गया आपका जीरो, उनको हटाइए, तो ये हो गया आपका वाई डैश सी वन टू एक्स, इनका डी सी सी वन कॉन्स्टेंट, इनका डी सी टू एक्स, इनको यू टू वी से करिए, यू टू वी से करिए, वन बाई फोर कॉन्स्टेंट रख लीजिए, पहले एल एन एक्स को रखिए टू एक्स को पढ़िए, और इनको रखिए एल एन एक्स करिए वन बटा एक्स, अब इसमें पुट कर लीजिए कितना एक्स इजिकल टू वन, जब वन पुट करिएगा तो लेफ्ट साइड क्या बनेगा वाई वन जो वाई डैश वन जो कि आपको चाहिए, वन पुट करिएगा तो ये हो जीरो हो जाएगा एल एन वन जीरो, और सी वन का वैल्यू वन तो ये हो जाएगा कितना टू, ये वन ये टू ये वन, एक्स वैल्यू वन पुट कर रहे हैं ना तो टोटल मिलकर कितना दो, ये है वन बाय फोर, ये वन बाय फोर, एक्स का वैल्यू वन पुट करिएगा ना यहाँ पे, ये तो जीरो हो गया वन, वन से गुना होगा तो ये उतना ही हो जाएगा, मतलब आठ दूनी नौ, चार दूनी आठ एक नौ बटा चार, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ आप क्या भरते हैं नाइन बटा चार, आपके पास कैलकुलेटर रहता है, कैलकुलेटर से दो डेसिमल तक करके बना देते हैं, पूरे आंसर करेक्ट है, 100% करेक्ट है, इसमें कोई वरा नहीं। ये समझिए यहाँ पे वन पुट किए तो ये जीरो हो गया, यहाँ वन पुट किए तो सी टू सी वन, सी वन का वैल्यू देखिए ना यहाँ पे वन है, ये यार इनका वैल्यू वन है, कैसे खोलो को बताए, इनका वैल्यू वन है, इनका वैल्यू सी वन का वैल्यू, ये जो है ना सी वन, क्योंकि सी वन का वैल्यू वन है इसलिए यहाँ टू हो गया, समझे, कैलकुलेशन है देख लीजिएगा। एक तो इसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारे मेरे टाइम में ये भी मेरे में आया हुआ था, मैं इसको जीरो दिए थे, सही हुआ था, एक नंबर मिला था मेरे में, सिंपल क्वेश्चन था ये भी, देखिए देखिए एक एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, एक कंडीशन दो कंडीशन सिमिलरली क्वेश्चन आया है, वाई वन पूछ रहा है, यही कर देते, देखिए ये तो शायद इस पर ही है, सिंपल है यार, ये तो कोसीलर है भी नहीं, वैसे सिंपल ही है, कॉन्स्टेंट इक्वेशन वाला है, तो इनको कर देते अब ले ही लिए हैं, तो इनको क्या बोलेगा सी एफ के लिए एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन इजकल टू जीरो, यहाँ से आपका एम का वैल्यू कितना आ जाएगा वन और वन, यदि सी एफ लिखेगा सी एफ का वैल्यू कितना लिखेगा सी वन प्लस सी टू एक्स, यहाँ जार नहीं लिखेगा क्योंकि कॉन्स्टेंट वाला है ई पावर एक्स, सी एफ आपका आ गया। अब पी आई का बात करिएगा, पी आई ये निकाल लेते हैं, पी आई पी आई निकालिएगा तो वन बटा डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन ई एक्स,
अब ई एक्स इसमें पुट करिएगा ना तो जीरो हो जाएगा। देखिए जीरो वाला आजकल खूब क्वेश्चन आ रहा है, एक्स अपन बटा क्या था डिफ्रेंशिएशन करिएगा, आपको सिखाए ना। अब पुट करिएगा तो अब जीरो नहीं होगा, अब पुट करिए एक वैल्यू यहाँ वन है, वन पुट करिए तो दो यहाँ पे बहुत सॉरी 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 जीरो हो रहा है फिर जीरो हो रहा है। देखिए क्वेश्चन आ गया उस टाइप का, यही तो गड़बड़ी होगा। देखिए देखिए ध्यान से यहाँ पे दो होगा ना, टू डी माइनस टू इसका तो जीरो हो गया टू होगा। अब यदि एक वैल्यू वन पुट करते हैं फिर भी जीरो हो रहा है तो क्या करेंगे, फिर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स एक्स पहले था एक और मल्टीप्लाई करेंगे टू टू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर नीचे का डिफ्रेंशिएशन टू ई टू पावर एक्स। तो ये कितना हो गया आपका फाइनल एक्स बाई टू ई एक्स, ये क्या आ गया आपका पी आई आ गया। देखिए इसमें दो बार यूज करवा लिया इसलिए क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट था, एग्जाम हॉल में हमको थोड़ा याद था क्या कर रहे नहीं कर रहे, पूरा समझ के बना दिए। तो वह एक्स आपका क्या आ गया सी एफ, सी कितना है सी वन प्लस सी टू सी टू एक्स और ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू ई एक्स, ये आपका आ गया। कोई दिक्कत आप जो देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है वाई जीरो पर जीरो है, ये वाई जीरो पर जीरो है क्या मतलब क्या जीरो इधर जीरो पुट करिए तो ये हो गया जीरो ई पावर जीरो वन मतलब सी वन, यहाँ जीरो करिए जीरो हो जाएगा मतलब सी वन तो आपका जीरो ही आ गया यहाँ से। ठीक अब क्या कर रहा है, अरे यार डेरिवेटिव का भी साथ बात कर रहा है तो अपने लोग इसको डेरिवेटिव कर लीजिए यहाँ पे वाई डैश एक्स निकालिएगा कितना हो जाएगा, ये तो जीरो ही हो गया, ये सी टू एक्स ई एक्स सी टू तो कॉन्स्टेंट होगा, इनको लिखिए एक्स ई एक्स करिए ई एक्स को रखिए एक्स का वन डिफ्रेंशिएशन आता है कि नहीं एक्स ई एक्स का, इनका डिफ्रेंशिएशन फिर करिए वन बाई टू कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर रखिए एक्स स्क्वायर ई एक्स का ई एक्स प्लस ई एक्स रखिए एक्स स्क्वायर का टू एक्स, कुछ नहीं यू इंटू वी से कर रहे, देखिए पहला को रखिए दूसरा करिए दूसरा को पहला करें यू को रखिए भी का किए भी को रखिए यू का किए। अब क्या कह रहा है कि जीरो पर माइनस हाफ है और कितना तो जीरो पर तो इसका मतलब क्या है इसमें पुट कर दिए लेफ्ट साइड कितना हो जाएगा माइनस हाफ, इधर जीरो पुट करेगा जीरो हो जाएगा तो जीरो पुट करेगा तो ई भी जीरो ई भी जीरो ई भी जीरो, देखिए कितना आसान हो गया सी टू ई पावर जीरो वन तो कितना हो गया का सी टू आ गया सी वन का भी वैल्यू आ गया जीरो सी टू का वैल्यू माइनस हाफ। पूछ क्या रहा है वाई वन इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे देखिए वाई वन तो वाई वन का इसमें वन पुट करिए इसी में वाई इक्वल टू वन ये तो जीरो हो गया सी टू का वैल्यू अच्छा वन पुट करिए तो सी वन ये हो गया सी टू सी टू यहाँ हो जाएगा वन ई पर पावर वन ई ये हो गया वन बाई टू ई वन बाई टू ई। अब देखिए ध्यान से कितना मज़ेदार क्वेश्चन था, ऐसे ही हम किए थे एग्जाम में। अब देखिए सी टू का वैल्यू कितना है आपका माइनस वन बाई टू ई प्लस वन बाई टू ई कट गया आ गया जीरो, आप देखिए जीरो आ गया वो बोल रहा था राउंड ऑफ टू डेसिमल, हम सोच रहे थे साला जीरो आ गया मेरा आंसर अब ये करेक्ट है कि नहीं है तो अब क्या करेंगे आंसर तो है जीरो तो हम जीरो भर के आ गए, संजोग से तब आंसर किया है रिस्पॉन्स किया है तो जीरो ही आंसर था तो हमको यहाँ से एक मार्क मिल गया। देखते दोस्तों आज के लिए इतना ही है तो आज तो हम अपने लोग आपसे विदा लेंगे। दोस्तों यदि आप नए हैं इसी तरह क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा गंदा हो गया, गंदा कुछ नहीं अपने लोग फ्रेश करिए आप, ये लास्ट क्वेश्चन था ना इसलिए हम गंदा कर दिया और मेरे एग्जाम में आया हुआ भी था इसलिए एग्जाम में कैसे बनाते हैं गंदगी करके वो आपको बताए टेक्निक वकनिक, इसी तरह का टेक्निक हमारे चैनल पर होते रहेगा आगे भी होगा। और घबराइए नहीं आप नए हैं तो दोस्तों ये बटन जरूर करिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा लाइक करिएगा दोस्तों घंटा उंटा दबाइएगा। अभी दोस्तों ओडी हो रहा है ना ओडी, इनके बाद हम लोग आईसी करेंगे, उनके बाद हम लोग रियल करेंगे, रियल के बाद हम लोग एलए करेंगे, एलएन के बाद क्या बच गया आपको जीटी करेंगे, जीटी लास्ट में इसलिए करेंगे तो एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में जाते वक्त आपको सब फॉर्मूला याद रहेगा धड़ 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 क्वेश्चन करिएगा टॉप टेन में रैंक लाइएगा। तो आज के लिए बहुत इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में अपने लोग करेंगे वर्किनियंस नहीं होता है वर्कोनियंस क्या कहते हैं उनको वर्नकिंस कियन हमको बोलने वर्नस्कियंस वो देखेंगे जाने ही से निकालते हैं वाई 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 वन वाई टू वाई वन का डैश वाई टू डैश इस तरह का क्यूज डब्ल्यू इक्वल टू इस टाइप का क्यूज देखेंगे। उनके बाद बच गया ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टिव उनको देखेंगे, उनके बाद प्रॉब्लम होगा इस पर ए टू जेड शुरू से अंत तक का जितना होगा ना एक एक लेक्चर लेंगे प्रॉब्लम का,
फिर वन शॉट लेंगे इनका ओडी का, वन शॉट लेंगे ए टू जेड पी वाई को जितना भी अभी तक में पूछा हुआ है 250-300 ए टू जेड करवाएंगे शुरू से अंत तक, वो एक ही लेक्चर में होगा, 3-4 घंटा 5-6 घंटा का होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बात को समझ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मेरा रैंक जानना चाहते हैं दोस्तों, 100 कितना है, 166 रैंक है मेरा दोस्तों, 166। मैं अपना आईआईटी को बताऊँ तो आईआईटी केजीपी मतलब खड़गपुर मुझे मिल चुका है, अपग्रेड किए हैं आईआईटी बम्बई के लिए, देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है, दुआ करिए मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं तो खड़गपुर से ही आप लोग का लाइव क्लास लेंगे, और लाइव क्लास 1-1.5 महीने के बाद होने लगेगा दोस्तों, अभी तत्काल रिकॉर्डिंग करते हैं। तो आज के लिए बस इतना है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का भी ख्याल रखिए, पूरा पूरा मज़ेदार से पढ़िए, तो बाय बाय करिए, करने का मन नहीं हो रहा, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही पढ़िए, जाके टोटल एलर इक्वेशन का क्वेश्चन लगा दीजिए, टोटल बनेगा कौशी एलर इक्वेशन से क्वेश्चन सारा बन जाएगा आपका, जितना भी आया हुआ है एग्जाम में, आप ट्राई करिएगा, देखें ना अभी दिखाया एक तो कितना मज़ेदार क्वेश्चन था, तो कटे यहीं पर।